कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुना करता हूँ, अल्लाह कैसे माफ करेगा। अल्लाह बड़ा करे, अल्लाह थानेदार नहीं है, मेहरबान है, दोस्त है, हमारा दोस्त है। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को दुखड़े सुनाओ, या अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है तू कुछ कर देना। अल्लाह से लाड करो जैसे माँ से लाड करते हो। अल्लाह तो प्यार की चीज है ना कि डरने की। हाँ डरना है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन प्यार गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो। वो नहीं था चरवाहा मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना कह रहा अल्लाह से तू आवे आ तेरी जुआ कटा तेन तेल लावा तेन कंघी करा तेन रोटी खवावा तेन दूध पिवावा। ये अल्लाह से बातें कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बदबख्त ये क्या कह रहा है, कह रहा है अल्लाह तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें तेल लगाऊं, तेरी जुएं निकालूं, तेरी कंघी करूं, तुझे बकरी का दूध पिलाऊं। तो वो तो बेचारा डर के रोने बैठ गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा मूसा तूने तो मेरा यार ही मुझसे दूर कर दी, मुझे तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, तूने ये किया, जा उसको खुश करके आ जैसे नाराज करके आया। चलो इस रिवायत में तो कोई ऊंच नीच हो सकती है, कच्ची पक्की बात हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की सही हदीस बता रहा हूं। मेरे नबी मस्जिद में सहाबा हंस रहे थे, आपने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम जानो तो तुम्हारा हंसना बंद हो जाए, रोना ज्यादा हो जाए। तो सब सहाबा ने जारो कतार रोना शुरू कर दिया। आप ये कहकर वापस मुड़े, दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे कि जिब्रील आ गए कि मेरे महबूब तूने मेरे बंदों को इतना ज्यादा डरा दिया मुझसे, जा वापस जा, जैसे रोलाया है ऐसे ही हंसा के आ। अल्लाह पाक तो हमारे मालिक खालिक हमारे हमारे मेहरबान हैं। अल्लाह को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। तो जब कभी तौबा टूट जाए अल्लाह के वास्ते मायूस ना होना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, पता नहीं कौन सी तौबा पक्की हो जाए, पता नहीं कौन सी तौबा पक्की हो जाए। तो नियत करते हो सारे भाई, अब बहुत बड़ा मशवरा आए हो, छोटा सा दो छोटे से तबलीग के काम, एक जुमेरात को मरकज में जाओ, एक तीन दिन हर महीने।